नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों आज जो हम बात करने वाले हैं बहुत ही सुंदर बात करने वाले हैं, तो वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा कि ऐसी ऐसी जानकारी जो है आप लोगों के पास में डायरेक्ट मिलती रहे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों आप तो जानते ही हैं कि चना में क्या क्या विटामिन मिलती है और आपको इसके खाने से क्या फ़ायदा मिलती है। तो आप लोग अगर नहीं जानते हैं तो इसको विस्तार से हम बताएंगे। हमारे चैनल के माध्यम से जितनी बात बताई जाती है वो अच्छा और सुंदर बताई जाती है। दोस्तों बहुत सभी लोग क्या करते हैं, विटामिन वाला चीज़ खाते हैं, तरह तरह की खाना खाते हैं, तरह तरह की चीज़ें खाते हैं कि हमारी मोटापा है वो बढ़ जाए, सेहत है वो बन जाए। तो सेहत बनने के लिए काजू खाते हैं, किशमिश खाते हैं, बादाम खाते हैं, कुछ भी खाते हैं, लेकिन उनको पच नहीं पाता है। जब पेट की कंडीशन ठीक नहीं होगी तो आपको कुछ नहीं पचेगा। अगर आप कि पेट की समस्या है तो ज़्यादा नहीं, एक आदमी के बीच में ये देखिए इतना सा चना लेना है, यानी कि ये 50 ग्राम समझिए कि 50 ग्राम चना लेना है। एक 25 ग्राम भी हो जाए तो अच्छा है, लेकिन रोज़ इस सब्जी में इतना सा डाल करके खाएंगे तो आपकी पेट की गैस से राहत मिलेगी। लेकिन आप लोग गर्म चीज़ का परहेज करना पड़ेगा आप लोगों को, जैसे कि ये हो गया ज़्यादा तेल खाना, ज़्यादा गर्म सामान है यानी लहसुन खाना, ज़्यादा अदरक खाना, वो छोड़ देना पड़ेगा। और इस सब्जी में जो है वो इतना सा डाल करके रोज शाम के समय में बनाइए, तो देखिए पेट सुबह कितना साफ रहता है और जितना भी तरह तरह के खराब खाना है वो बिल्कुल नहीं खाना है। पहला नंबर। दूसरा नंबर, इसको क्या कीजिए कि भुजवा दीजिए और इसको सत्तू पिसवा दीजिए। सत्तू पिसवाने के बाद में आप सुबह के समय में इसमें काला नमक जो होता है बाजार में बिकता है 2-4 रुपये का या 10 रुपये का लेकर के रख दीजिए और इसको घोल बना दीजिए। रोज़ 50 ग्राम या 25 ग्राम जितना आप पी सकते हैं, ज़्यादा नहीं पीना चाहिए, और उसमें काला नमक थोड़ा सा डालना है, दूसरा नमक नहीं डालना है। और थोड़ा सा नींबू मिले तो उसको गाड़ दीजिए और नींबू गाड़ दीजिए सतुई में। उसके बाद में अगर सुबह के समय में और कुछ मत डालिए उसमें, और सुबह के समय में अगर पीते हैं तो आपकी आंखों की रोशनी इतना तेज़ हो जाएगी, इतना तेज़ हो जाएगी आपकी, आप देख करके चौंक जाएंगे और पेट की गैस होगा, एसिडिटी बदहजमी होगी वो तुरंत दूर हो जाएगी। इसमें इतना गुण पाया जाता है और आपको सेहत जो है 2 महीने में आपकी शरीर बुलंद हो जाएगी, इसमें इतना गुण पाया जाता है। चना आप लोग अगर खाली पेट खाते हैं तो कच्चा चना मत खाइएगा, क्योंकि कच्चा चना खाने से पेट खराब हो जाती है। इसको फुला करके जमा करके खाइएगा। पेट तो खराब होती है लेकिन पेट साफ रख देता है, करता है, लेकिन उससे अच्छा है कि सब्जी में डालिए, इसको बनाइए तब खाइए। दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को जानकारी चाहिए तो वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लेकिन सबसे ज़्यादा फायदा करेगा कि इसको सत्तू पिसवा दीजिए और थोड़ा सा काला नमक डाल दीजिए और उसमें नींबू थोड़ा सा निचोड़ दीजिए बेगर बिया का, और तब इसको पीजिए सुबह के समय में। इसके बाद में 2-3 घंटा के बाद खाना खाइए, आपकी सेहत जो है पूरा बुलंद हो जाएगी। थैंक यू दोस्तों, जहाँ भी रहें वहाँ बने रहें, माता दुर्गा जी की कृपा से।